हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिस्ट स्टॉक्स। तो देखिए, कल आरबीआई की एक अनाउंसमेंट के बाद में मार्केट में बहुत जबरदस्त फॉल आते हुए दिखाई दिया और यूएस फेड के उसी स्टेटस को की वजह से आज मार्केट्स बहुत अच्छी तरीके से, या मैं कह दूं एक तेजी से रिवर्स भी होते हुए दिखाई दिए, एक स्ट्रेंथ भी गेन करते हुए दिखाई दिए हैं। अब सिचुएशन इज दैट कि देखिए, आज एक्सपायरी है, आज वीकली एक्सपायरी है, इसलिए हम लोग उस स्ट्रेंथ का कंप्लीट पोर्शन नहीं देख पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, यानी कि अगर आज वीकली एक्सपायरी ना होती तो शायद इससे अच्छे गेन्स आज आपको देखने को मिलते। एंड हमने देखा कि 1.25% की तेजी के बाद में निफ्टी में करेक्शन आ रहा है, तो वो करेक्शन शायद ना आता जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। ये फ्लक्चुएशंस, ये वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है, तो इसको बेसिस मानते हुए मैं ये समझता हूं कि फॉरवर्ड गोइंग कल से आपको और अच्छी स्टेबिलिटी एंड और अच्छा ग्रीन साइन निफ्टी के ऊपर देखने को मिल सकता है। ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं अभी के सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि यूएस फेड ने 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाए हैं जैसा उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था। एंड आने वाले टाइम के लिए कमेंट्री भी की है कि हम लोग 75 बेसिस पॉइंट एक बार में नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा वो लोग अभी सोच रहे हैं। तो एक पॉजिटिव साइड में कमेंट आती हुई दिखाई दी एंड इसी के बेसिस पर 2.5-3% तक यूएस मार्केट्स के अंदर तेजी थी। अब आप देखिए, एसबीआई के ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा क्रैक आ चुका है। इस वक्त 1% की तेजी दिखाई दे रही है, आज के डे हाई 494 पर थे, यानी कि डे हाई से अभी इसके अंदर भी काफी अच्छा करेक्शन चल रहा है। तो सिचुएशन इज दैट कि कोटक महिंद्रा बैंक ने संभाल रखा है बैंक निफ्टी को, अगर आप देखेंगे। एंड ऑल ओवर अगर आप देखें तो एसबीआई एक ऐसा बैंक है जिसके रिजल्ट्स अभी भी ड्यू हैं। इसके रिजल्ट आए Q4 के तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के अंदर एक जान आ सकती है, स्ट्रेंथ आ सकती है और ये अपने 52 वीक हाई के नजदीक पहुंच सकता है। 549 का 52 वीक हाई है 7th of February 2022 का, एंड 52 वीक लो है 348 का 5th May 2021 का, एक साल पहले का। अब आप देखिए, एसबीआई के रिजल्ट्स क्या जनरली लेट आते हैं, यानी कि जितने बड़े बैंक्स हैं, जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं क्वार्टर एंड होने के बाद में 15 दिन से एक महीने के अंदर, बट एसबीआई के रिजल्ट थोड़े लेट आते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो मोमेंटम है वो सारे इवेंट्स निकल जाने के बाद आता है। तो एक पॉजिटिव बात यह रहती है कि अगर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते और उसकी वजह से मार्केट सिंक करता है तो इसके रिजल्ट का इंपैक्ट उससे थोड़ा सा एक आइसोलेटेड वे में रहता है, यानी कि आने वाले टाइम में अगर इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली यहां पर दोबारा से रैली देखने को मिल सकती है। 40-41% की यहां पर अभी डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रही है आज की ट्रेडिंग सेशन में। अभी तक थोड़ा सा डेटा लेने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक के बारे में, तो यहां पर देखिए थोड़ा सा चार्ट के ऊपर समझने की जरूरत है किस टाइप की पोजीशंस एंड फॉर्मेशंस यहां पर बनी हुई है। मैं आपको वनडे की सेटिंग में एसबीआई का चार्ट दिखा रहा हूं एज यूजुअल, जैसे हम लोग हमारी प्रैक्टिस है हम देखते हैं। और ये देखिए, एक अच्छा खासा अपमूव इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगा अगर आप प्रीवियस एक साल का पैटर्न इसका देखते हैं। हम लोग मई मंथ की बात करें पिछले साल 2021 की, वहां से एक अच्छे खासे अपट्रेंड में है। एक स्विंग लो लगा के, यानी कि 320 रुपए के आसपास का स्विंग लो लगा के इसने लगातार हमें एक हायर हाइज एंड हायर लो की फॉर्मेशन करके दिखाई है और पूरे एक साल में इस स्टॉक ने काफी अच्छे लेवल्स हाई गेन करे हैं। 549 के इसके 52 वीक हाई लेवल्स है अगर आप देखेंगे। अब सिचुएशंस क्या है कि यहां से करेक्ट होके गिर रहा है। 8th ऑफ मार्च 2022 को इसने स्विंग लो लेवल्स दिखाए थे जब पूरा मार्केट काफी ज्यादा क्रैश हो गया था, नीचे की तरफ गया था। इन लेवल्स को मार्क करने की कोशिश करें तो आप इन लेवल्स को भी देख सकते हैं, ये तकरीबन 425 रुपए के लेवल्स हैं, 425 के वो लेवल्स हैं। एंड देन देखिए, इसके बाद में इन लेवल्स पर एक बेस बना के काफी अच्छी रैली रिज्यूम करी थी। अब यहां पर क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। एक अप ट्रेंड मिला, अप ट्रेंड के बाद में इस टाइप की फॉर्मेशन है जो एक ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन दिखा रही है। यहां पर ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है आपको हाई लेवल्स पर, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न शो कर रही है। यानी कि अगर ये ट्रिपल टॉप कंप्लीट होता है, इस बार की गिरावट भी इन लेवल्स तक आती है तकरीबन 440 के लेवल्स तक, तब इस स्टॉक के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो आपके सामने ये आ रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म का अगर हम लोग पैटर्न देख रहे हैं तो वो नेगेटिव होता जा रहा है। अगर इस स्टॉक के अंदर कोई भी अपमूव मिल रहा है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट लीजिएगा प्रॉफिट बुक करके। लॉस के अंदर मैं नहीं कह रहा हूं, प्रॉफिट अगर हो रहा हो तो डेफिनेटली बुक कीजिएगा, अदरवाइज वापस से जब ये यू टर्न लेगा ऊपर की तरफ वहां तक पहुंचने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास में ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं, एक लॉन्ग टर्म की सपोर्ट लाइन है मेरे पास में, जिसको मैंने एस मार्क किया। अगर आप देखिए, इस
सपोर्ट लाइन के अंदर कहां कहां इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, एंड जब इसने इसको ब्रेक किया ये लेवल्स थे तकरीबन आप देखिए 480 रुपीज के आसपास, 480 के आसपास के लेवल्स थे, एंड ये 425 तक पहुंचा था। तकरीबन आप कह सकते हैं 10% का फॉल इसने ब्रेक करने के बाद दिखा दिया था। नेकलाइन ब्रेक हुई थी लेकिन उसके बाद में इस डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, वापस से रिगेन कर लिया स्ट्रेंथ। एक बार फिर से इसने इसके ऊपर काम करके दिखाया, एंड अगेन यहां पर आकर इसने इस सपोर्ट लाइन को फिर से ब्रेक कर दिया, और ये लेवल्स जो थे देखिए यहां पर तकरीबन 505 के आसपास के लेवल्स थे, और 505 से अगेन अगर मैं 10% की गिरावट एज्यूम करता हूं कि स्टॉक में आने को देखने को मिल सकती है, तो और आप ये मान के चलिए 450 रुपीज तक के टारगेट आपको इस कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं अभी की जो पोजीशंस आती हुई दिखाई दे रही है। तो फर्दर और ये स्टॉक सिंक हो सकता है 450 तक के लेवल्स के लिए, और अगर ये 450 के लेवल्स को नीचे की तरफ निकालता है देन डेफिनेटली फिर आपको एक बड़ी गिरावट का सामना करने को मिल सकता है। इसलिए ये लेवल्स आइडेंटिफाई करना और इन लेवल्स के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने इसके अंदर कोई पोजीशंस बनाई हैं शॉर्ट टर्म को लेके। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मेरी खुद की भी पोजीशन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन मैं यहां पर नुकसान करके नहीं निकलना चाहता क्योंकि मैं इस स्टॉक का पोटेंशियल जानता हूं। अगर मुझे रुकना पड़ा 2 से 3 महीने तो डेफिनेटली इसके अंदर मैं रुकूंगा, एंड यहां से वापस से जब ये स्ट्रेंथ रीगेन करेगा तभी अपने स्टॉक को निकालूंगा यहां से। तो ये आपको डिपेंड करना है कि आप एक शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं और किस टाइप की पोजीशनिंग आप चाहते हैं। तो ये दो पैटर्न के हिसाब से आप देखिए इस टाइप की नेगेटिव फॉर्मेशन यहां पर जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आरएसआई के हिसाब से। अगर आरएसआई की वैल्यू अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तकरीबन 42 के आसपास आ रही है, इस वक्त 42 के लेवल्स के आसपास इसका आरएसआई है। तो अगर आप देखें सिचुएशंस, अभी कोई मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर नहीं बन सकता क्योंकि यहां पर हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बैंक निफ्टी ने 36,000 के लेवल को ब्रीच किया था कल, एंड उसके बाद में तकरीबन 1100-1200 पॉइंट की गिरावट आई थी और जो क्लोजिंग थी वो भी इसके नीचे होती हुई दिखाई दी थी। तो काफी दिनों के बाद में 36,000 के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर क्रॉस हुए थे नीचे की तरफ, एंड अब जब ये ऊपर की तरफ रिवर्स जाएगा तो फिर देखिए तो 36,000 के लेवल्स एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक हर्डल है, इंपॉर्टेंट हर्डल है, खासकर उन प्रोमिनेंट बैंक्स के लिए जिनके गिनती आती है देखिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एनएसबीआई जैसी कैटेगरी के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल बन सकता है, इसलिए यहां पर मोमेंटम गेन करना भी मुश्किल है। तो जब तक ये 60 के लेवल को क्रॉस ना कर जाए, देखिए मैं जनरली 55 के लेवल के भी फेवर में होता हूं कि इसके ऊपर हो, डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही हो तो आप मोमेंटम पकड़ेगा, लेकिन एसबीआई के केस में मुझे लगता है 60 के लेवल क्रॉस होने चाहिए तब यहां पर फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती हैं आपके लिए। तो फिलहाल इसके अंदर कोई पोजीशन ऐड आपको नहीं करनी है, आपने पोजीशंस को होल्ड कर रखा है तो मैंने लेवल्स आपको बता दिए, वहां तक वेट आपको करना चाहिए, वो ब्रेक होंगे तो डेफिनेटली आप एग्जिट करेंगे अगर आप एक शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको डेली चार्ट से आती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर पोजीशंस क्या हैं, अगर आप 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट देखें, लगातार स्टॉक ने एक लोअर लोज एंड लोअर हाई की फॉर्मेशन करी है। अगर आप यहां पर ये सिचुएशंस देख रहे हैं फाइन, शॉर्ट टर्म के अंदर क्योंकि ये एक फॉलिंग चैनल पैटर्न बना रहा है, ये बना रहा है एक फॉलिंग चैनल पैटर्न फॉर्मेशन। तो फॉलिंग चैनल पैटर्न फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में एक रिवर्सल आता है, इसका रिजल्टेंट एक अपट्रेंड में माना जाता है। तो अगर देखिए ये ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन जो है इसको आप फेयरली ड्रॉ कीजिएगा चार्ट्स के ऊपर, ये अगर ब्रेक होती है तो नियर टर्म में आपको 510 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करें अगर आप करना चाहते हैं। तो नियर टर्म में अगर अपसाइड में देख रहा हूं तो 510 रुपए की आती हुई दिखाई दे रही है, एंड अगर जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो ब्रेक हो जाते हैं देन डेफिनेटली फिर ये स्टॉक और नीचे तक सिंक होकर दिखा सकता है, जिसमें पहला टारगेट आपको 450 का डाउनसाइड में देखने को मिल सकता है। आई होप ये टेक्निकल पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि क्यों यहां पर एक नेगेटिव पैटर्न जनरेटेड है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे, और क्यों यहां पर एक पॉजिटिव पैटर्न भी देखने को मिल सकता है एक शॉर्टर ड्यूरेशन में, जो आपको मौका देगा यहां पर सेल ऑन राइज करने का। लेकिन क्योंकि इसके रिजल्ट्स ड्यू हैं, रिजल्ट आने पर किस तरीके का मोमेंटम बनता है वो बेसिकली देखिए डिपेंड करेगा कि फाइनल मूव इसका कहां तक जाने की कोशिश करता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे टेक्निकली एज वेल एज कि यहां पर किन लेवल्स पर आपको अपनी पोजीशंस एग्जिट कर देनी चाहिए। तो इस वीडियो में देखिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।